नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। चौराहा थाना क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक दबाव के चलते जहां झूठे आरोप गढ़कर लोगों को अपराधी बनाया जा रहा है, तो वहीं अपराधियों को भरपूर संरक्षण भी दिया जा रहा है। आए दिन इस क्षेत्र में लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते वे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, तो वहीं पीड़ितों की शिकायतें सुनी नहीं जा रही हैं। ऐसा ही मामला थाना क्षेत्र के धवैया गांव से आया है, जहां दिन दहाड़े हथियार बंद सरहंगों ने निर्माणाधीन पिलर को घिरा दिया, जिसका वीडियो भी पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सौंपा है। लेकिन चौराहा पुलिस अपने पुरानी चाल के तहत दोनों पक्षों की शिकायत मिलने और जांच करने की बात कह मामले को दबाने में लगी हुई है। वहीं पीड़ित अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 25 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे अंबिका प्रसाद मिश्रा, श्रवण प्रसाद मिश्रा, मदन मिश्रा, जयप्रकाश, देवेंद्र, ब्रजेंद्र, मनोज, अनिल तिवारी, अंकित तिवारी, अमन मिश्रा, सुंदर मिश्रा, गोलू उर्फ योगेंद्र, रेवती रमण मिश्रा, रामायण मिश्रा, मृत्युंजय मिश्रा, विद्या देवी, कुंदकली, मनभरण और प्रवीण तिवारी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उनकी स्कॉर्पियो में जमकर तोड़फोड़ की, तो वहीं घातक हथियारों से लैस होकर जान से मारने की धमकी भी दी। घंटों गांव में दहशत का माहौल रहा। पीड़ित परिवार घरों के भीतर कैद होकर पुलिस को सूचना देता रहा, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद जब पीड़ित ने भोपाल फोन लगाया, जिसके घंटों बाद पुलिस पहुंची, तब ट्रैक्टर लेकर पहुंचे लोगों ने निर्माणाधीन पिलर को तोड़कर गिरा दिया। इतना ही नहीं, लैटरिन टैंक और घर के पास लगी बगिया को भी ट्रैक्टर से जुताई कर नष्ट कर दिया। ये भी बताया जाता है कि पीड़ित परिवार विरोध करने का प्रयास किया तो हथियारों से लैस लोगों ने धमकी देते हुए मारपीट करने का प्रयास भी किया, जिससे पीड़ित पक्ष घरों में कैद हो गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत से विरोधियों के द्वारा उनके घर में तोड़फोड़ और निर्माणाधीन पिलर तोड़े गए हैं। बताया जाता है कि इन लोगों के द्वारा लगभग 3 लाख रुपयों का नुकसान भी किया गया। जिस घर में हमला किया गया है उसके मुखिया सेवानिवृत्त शिक्षक है। कानून व्यवस्था पर आस्था रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरहंगों के द्वारा हमला किया गया और पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की, उससे उन्हें अब अपनी जान माल की चिंता हो रही है। पीड़ित ने बताया कि स्थानीय नेताओं के दबाव के चलते पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। वही इस मामले में जब थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद है, दोनों पक्षों से ही शिकायतें हैं, जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिन मामलों में राजनीतिक दबाव होता है उन्हें पुलिस लाख साक्ष्य होने के बावजूद जांच का बहाना करती है, और अगर राजनीतिक दबाव के चलते झूठे मामले दर्ज कराना हो तो बिना लेट लपेट किए ही आनन फानन में मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। आपको पहले भी हमने कई मामले दिखाए हैं कि किस तरह से झूठे मामले दर्ज कर दबाव बनाया जाता है। कई थाना प्रभारियों ने भी इस मामले की पुष्टि भी की कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में सत्ता के दबाव में विरोधियों पर मामले दर्ज करने और सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से काउंटर मामला दर्ज करने का दबाव बनाया जाता है। देखिए पहले वीडियो, फिर आपको सुनाते हैं पीड़ित का कि पूरे मामले में क्या कहना है, और इसके बाद सुनाएंगे थाना प्रभारी ने इस बारे में क्या जवाब दिया। हेलो, नहीं ना जितना बाबा था। इनका फोटो बनाओ, फोटो बनाओ, फोटो ले सर। एक आदमी नहीं आए पाई के, पूरी प्लान इनका ऐसा
संतोष कुमार मिश्रा जी, क्या है आपके वीडियो उपलब्ध कराया जिसमें कई लोग घर के अंदर आपके हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, भवन गिरा रहे हैं, पूरा घटना बताइए क्या है? सर, हम सुबह जब सो के उठे तो 20-25 लोग अंबिका वगैरह कि उसके गुंडे हमारे घर को घेर लिए, तोड़ फोड़ करने लगे, हमें मारने के लिए दौड़ा लिए, हम भाग के भीतर के अंदर घुस गए। इसके बाद वो लोग तमाम हमारी गाड़ी घोड़ा सब तोड़ फोड़ के ट्रैक्टर से लेके, हरा रंग का ट्रैक्टर था ऐसा, उससे ठोकर मार के हमारी स्कॉर्पियो के आगे शीशा फोड़ दिया, एक ही स्कॉर्पियो पीछे फोड़ दिया, ट्रैक्टर की लाइट तोड़ दी, जो डंडा पाई 1200 फीट रखे तो उनको ट्रैक्टर चढ़ा के रौद के तोड़ दिया, जो हमारे घर के सामने बाउंड्री बन रही तो उसके पिलर बन रहे तो उनको सब उखाड़ के ट्रैक्टर से फेंक दिया। और बोले मादरचोद, जैसे तुमको ये तोड़ें तैसे इनको तुमको भी तोड़ देंगे। हमारी जो लैट्रिन बनी हुई थी उसके टैंक को तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया, जो बगिया पेड़ पौधे लगे हुए थे उनको भी ट्रैक्टर से सब रौंदा के टोट तार के फेंक दिए। फिर इसके बाद हम रिपोर्ट करने गए, 181 में लगाया, पुलिस नहीं आ रही, सब नंबर में लगाया। जब 181 से फिर हमको शिकायत नंबर मिला तो इसके बाद एक दो घंटे बाद पुलिस आई, ये राम प्रकाश तिवारी थाना से आए। उन्होंने कितने लोग थे और क्या असलहा क्या था? ये करीब 20 लोग थे, ये लाठी डंडा ये टांगी फरसा वगैरह ये लिए थे। हम चूँकि अंदर थे, हम तो अब डर के मारे भीतर घुस गए थे, कितने कितने औजार लिए थे वीडियो में देखने में लाठी डंडा ये तलवार टांगी फरसा समझ में आ रहा। पुलिस क्या कार्रवाई की? पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस उसको ज़मीनी विवाद बना के उसको निपटाना चाहती, जबकि मेरी रिपोर्ट ज़मीनी विवाद की नहीं है, हमारी रिपोर्ट जो हमारी तोड़फोड़ अटैक की है, हमें जान से मारना चाहते उसकी है। क्योंकि पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं करती कि अंबिका प्रसाद जो दिवाकर द्विवेदी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके जीजाजी हैं, दिवाकर द्विवेदी के सत्ता पक्ष के कई नेताओं से अच्छे संबंध हैं, इसलिए कोई हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग कौन हैं, किसका दबाव है? अब ये तो हमको बहुत नहीं मालूम है कि सत्ता पक्ष के किन का दबाव है। दिवाकर द्विवेदी का अल्ट्राटेक वगैरह में काम चलता है, उसके पास कई मशीनें हैं, अब किन से उनका संबंध है? चूँकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, FIR दर्ज नहीं कर रही, तो मुझे नेता स्थानीय विधायक का दबाव या कोई चीज़ अब ये चूँकि हम जानते नहीं ज़्यादा, हम राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं, हम एक शिक्षक थे, शिक्षक से रिटायर हुए हैं, कि किनका कार्रवाई नहीं कर रही, FIR दर्ज नहीं कर रही, तो मुझे नेता स्थानीय विधायक का दबाव या कोई चीज़ अब ये चूँकि हम जानते नहीं ज़्यादा, हम राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं, हम एक शिक्षक थे, शिक्षक से रिटायर हुए हैं, कि किनका दबाव है, पर दबाव कहीं में कहीं है, और दिवाकर द्विवेदी द्वारा दबाव दिया जा रहा, क्योंकि हम दो दिन से रिपोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, हमारा FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है, उल्टा हम ही को आज TI साहब गए, तो यही चीज़ वो जमीनी प्रकरण बता रहे थे कि विद्या देवी के नाम इस समय रिकॉर्ड में है, हम उनको रिकॉर्ड दिखाना चाहे कि भाई विद्या कंप्यूटर में गलत नाम चढ़ गया, साझात की ज़मीन है, सब लोग घर बनाए हुए हैं, तो हमारी कुछ बात कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करेंगे आप? अभी आए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत देना है, मैं ये चाहूँगा कि वो निष्पक्ष जाँच कराएँ। तो क्या दिवाकर द्विवेदी और विद्या वारिस तिवारी जो थाना प्रभारी है उनसे भी आपकी बात हुई कि हमारे खिलाफ? दिवाकर द्विवेदी से हमारी बात नहीं हुई, पे TI चौराटा से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, हम वहाँ रिपोर्ट भी लिखाने गए, लिखित रिपोर्ट भी दे आए हैं, मेरा बयान भी सत्येंद्र तिवारी थाने के मुंशी हैं या SI हैं क्या है उनके द्वारा लिखा गया है। इतना कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं, आगे कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। क्या लगता है कि अगर आप लोग बाहर निकलते तो कुछ हमला कर सकते? नहीं, हम बाहर निकलते तो मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि वीडियो देख लिया जाए घर के सामने कितने लोग लाठी डंडा ले घेरे हुए हैं, हम बाहर निकलते तो मेरी हत्या हो जाती। अभी भी हमें शंका के लोग हमें जान से मार डालेंगे। हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे सर। हथियार लेके घर में अंदर घुस के मारपीट की गई, क्या मामला था सर? धरैया गांव में संतोष कुमार मिश्रा जी ने
अपने घर के सामने दूसरे पक्ष ने भी आवेदन कर दिया है। संघर्ष लोग विवादित जमीन पर जमीन के रूप से उसको कब्जा करने के लिए बना रहे थे। दोनों का आवेदन पत्र लिया गया है। सर, कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि राजनीतिक दबाव है। कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, ये उनके संपूर्ण परिवार के साथ 400 एकड़ जमीन है। सभी दावा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में शांति व्यवस्था नहीं रहे, इसलिए उनके तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।